राहुल जी। राहुल जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल सर। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बोल रहे थे सर, हमारा टाटा पावर का सर ये 2200 पीस शेयर है सर, 240 रुपए के भाव से। 240 रुपए पे आपने लिया है, ओके चलिए ठीक है। नीलेश जी से पूछते हैं। नीलेश जी, टाटा पावर काफ़ी लोग फंसे हुए स्टॉक में, हायर रेंज पे, 240 पे इन्होंने भी लिया हुआ है। हाँ बिल्कुल वरुण जी, देखिए गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं वो भी देखने को मिला था लगभग 220 के लेवल के आसपास। अब 220 का लेवल क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। इन लेवलों पर देखिए अगर थोड़ा सा पोजिशन पर्सपेक्टिव से व्यू है तो पोजिशन में एवरेजिंग किया जा सकता है, बट लंबा नजरिया रखना होगा क्योंकि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पुलबैक की संभावना नजर आती है। अगर पोजिशन पर्सपेक्टिव से देखें तो 230-235 तक के लेवल हमें नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन लेवलों पर अगर और गिरावट होती है तो एवरेज करने की सलाह होगी और स्टॉप लॉस यहाँ पे जरूर मेंटेन करें, वो होगा लगभग 190 के आसपास का। तो 190 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन में बने रहे, ऊपरी स्तर पर 220 इमीडिएट हर्डल, 220 के निकलने के बाद यहाँ पे 235 से 240 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को 235 से 240 के लेवल के रख सकते हैं, लॉस में बेचने की फिलहाल जरूरत नहीं है।